हे गाइस, वेलकम टू ट्रैवल फिट। मेरा नाम है ब्रजेश शर्मा और आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ मेरा कंप्लीट पुल वर्कआउट रूटीन, जिसके अंदर हम हमारे बैक, बाइसेप्स और फोर आर्म्स को ट्रेन करते हैं। करेंटली आई एम फॉलोइंग पुश पुल लेग्स वर्कआउट स्प्लिट, जिसके अंदर मैं हफ्ते में 6 बार ट्रेन करता हूँ। और आज है पुल वर्कआउट डे, जिसके अंदर हम ट्रेन करेंगे हमारे बैक, बाइसेप्स और फोर आर्म्स को। इस वीडियो के 2 पार्ट होने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ मेरा कंप्लीट बैक वर्कआउट शेयर करूंगा और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम ट्रेन करेंगे हमारे बाइसेप्स और हमारे फोर आर्म्स को। पुश पुल लेग्स वर्कआउट स्प्लिट एक बिगिनर के लिए या फिर उन लोगों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है जिन्होंने एक लंबे समय के बाद वापस जिम जाना स्टार्ट किया है या फिर वर्कआउट करना स्टार्ट किया है। बट किसी भी वर्कआउट को स्टार्ट करने से पहले आई रिकमेंड कि आप एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स का एक वार्म अप सेशन कर लें, सो डैट आपकी बॉडी वार्म हो जाए और आपके मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ जाए, जिससे आपके इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो आज की जो पहली एक्सरसाइज होने वाली है वो है डेडलिफ्ट्स। डेडलिफ्ट एक कंपाउंड एक्सरसाइज है जिसमें हम बहुत सारी मसल्स को एक साथ ट्रेन कर सकते हैं। डेडलिफ्ट हमारे लोअर बैक, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और ट्रैप्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। स्ट्रेंथ बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही क्रूशियल एक्सरसाइज है। नाउ बिकॉज हम डेडलिफ्ट में बहुत सारा वेट उठा सकते हैं, इसलिए इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त करेक्ट पॉस्चर और फॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप इंजर्ड हो सकते हैं। बिकॉज वी कैन गो हैवी इन डेडलिफ्ट, इससे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बिगिनर्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि वो ट्रेडिशनल डेडलिफ्ट ही लगाएं और उसमें अपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप करने के लिए फोकस करें। सुमो डेडलिफ्ट्स उन लोगों के लिए है जिन्होंने काफ़ी समय की प्रैक्टिस के बाद अपनी बॉडी में एक मोबिलिटी बिल्ड कर ली है। आज के वर्कआउट में हम लगाएंगे डेडलिफ्ट्स के 3 सेट, जिसमें हम 8 से 10 रेपिटेशन का टारगेट रखेंगे। मैं पर्सनली प्रीफर करता हूँ सुमो डेडलिफ्ट्स, जिसमें मैं टारगेट करता हूँ एटलीस्ट 10 to 12 reps। अब बैक वर्कआउट रूटीन में जो सेकेंड एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे वो है केबल रोइंग। केबल रोइंग आपकी बैक की थिकनेस को बढ़ाती है, जिससे आपका वी शेप बनाने में हेल्प होती है। हम इस एक्सरसाइज के 3 सेट्स परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम 10 से 12 रेपिटेशन का टारगेट रखेंगे। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त आपको माइंड मसल कनेक्शन बिल्ड करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, तभी आप इस एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। केबल रोइंग में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके फुल रेंज ऑफ मोशन में एक कांस्टेंट टेंशन बना रहता है, जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब बैक वर्कआउट के लिए जो हम तीसरी एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे वो है लैट पुल डाउन्स। इस एक्सरसाइज में आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे आकर एक पॉज लेना है, आपके बैक में कॉन्ट्रैक्शन फील होना चाहिए और स्लोली आपको ऊपर जाना है। इसमें जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे आपका फॉर्म और पोस्चर ख़राब होगा और आपको इंजरी भी हो सकती है। नाउ बैक वर्कआउट में जो हम 4th एक्सरसाइज लगाएंगे वो है सिंगल आर्म बेंट ओवर डंबल रोज। ये एक तरह से केबल रोज का अल्टरनेट है, बट आई प्रीफर बोथ द एक्सरसाइज, मैं दोनों एक्सरसाइज लगाता हूँ। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दोनों हाथों से एटलीस्ट 3 सेट्स लगा सकूँ विथ 8 to 10 repetitions। इस एक्सरसाइज को लगाते वक्त आपका फॉर्म और पोस्चर बहुत करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज ये आपके बैक में स्ट्रेन डेवलप कर सकता है, जो कि बहुत पेनफुल होता है। सो गाइज, ये था हमारा पुल वर्कआउट रूटीन का 1st पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम टारगेट करेंगे हमारे बाइसेप्स और फोर आर्म्स को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।